लगातार हो रही बारिश से लुधियाना वासियों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश होने से लुधियाना की सड़कों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। जगह जगह बारिश का पानी जमा हो चुका है। निकासी के नाम पर प्रशासन पूरी तरह से सोया हुआ है। दूसरी तरफ इलाके के लोग एमएलए और जिला प्रशासन को इसका जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। लुधियाना शहर में बारिश के पानी से तालाब बन गए हैं। देखो, बड़े अफसोस नाल कहना पै रहा है कि 1.5 साल तो पिछे पंजाब च कांग्रेस की सरकार बनी है और लुधियाने शहर के 6 हल्के है, 4 हल्कों च कांग्रेस के एमएलए है, 5वां मैंबर पार्लीमेंट इन्हों का, मेहर इन्हों का कारपोरेशन च। मैं समझता कि इन्नी विकास की जो डींगा मार रहे हैं, इन्नी डिवेलपमेंट की झूठ बोलते हैं कोरा, लेकिन तुम अज देखो कि कल सारा दिन बारिश पई है। अज इतने राम दरबार मंदिर च ब्लड कैंप उ आने का समा मिलया, तो जदों राम दरबार मंदिर के बाहर पानी देखा भी गिटे गिटे पानी और वो बिल्कुल नाल एडा फेमस मंदिर लुधियाने शहर का 39 सैक्टर च, और उत्थे मैं समझना छप्पड़ बनया। और अज तुसी देखो चंडीगढ़ रोड मेन हाईवे रोड है, वर्धमान मिल दे बिल्कुल सामने असी खड़े हाँ, और एक कीर्ति नगर एरिया तुसी पिछे देख सकते हो कि पानी, मैं समझा कि पिंडा दे छप्पड़ है वह भी इन्हां के छोटे पै रहे हैं। अज इन्हां दा विकास इन्हां छप्पड़ों तो दिख रहा है, और जिते देखो पिछे सारी ये आबादी है, टोटल आबादी है, जिते मलेरिया डेंगू कई, मैं समझदा इन्हां पानी करके इन्हां लोगों को बीमारियां झलनिया पै जाणगियां। मैं कारपोरेशन जो कुंभकर की नींद सुती है, और खास करके इन्हां दे जिहड़े मंत्री है नवजोत सिद्धू जो लोकल बॉडी मंत्री ने, और खास करके इन्हां दे सारे चारों के चारों एमएलए, खाली चंडीगढ़ रोड नहीं है, लुधियाने शहर का बद तो बदतर हाल होया पाया।